हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पैंप एप्लीकेशन में बिल्कुल एक नया अकाउंट क्रिएट करके बताने वाला हूँ विदाउट पैन कार्ड। तो दोस्तों, आपको वीडियो इन तक देखना है और साथ ही में आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। उसके बाद प्ले स्टोर में आपको पैंप एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना, ओपन कर देना। उसका दोस्तों इंटर फैम अपलो ऑप्शन पर टैप कर देना। उसका दोस्तों इंटर योर फोन नंबर, आपको फैम पे जिस मोबाइल नंबर से बनाना है वो मोबाइल नंबर है पे आपको डाल देना और आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसका दोस्तों उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी है पे आपको डाल देना है और आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसका दोस्तों टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लिया जाएगी, जैसे कि नेम मैच पर योर आधार, आपके आधार कार्ड पर आपका जो नाम होगा वही यहाँ पे फुल नेम डाल देना है। उसके बाद बर्थ डेट एज योर आधार, आपके आधार कार्ड पर आपकी जो बर्थ डेट होगी वही यहाँ पे आपको डाल देना है और सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इनेबल लोकेशन एक्सेस, आपको सिंपल सा आपके लोकेशन को इनेबल कर देना है और आपको सिंपल सा नेक्स्ट कर। हियर योर यूपीआई आईडी, आपकी यूपीआई आईडी मिल जाती है, यहाँ पे जो यूपीआई आईडी है ये आपकी यूपीआई आईडी रहती है, ऐसे नोट कर सकते हैं या फिर आपको सिंपल सा लेट्स गो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप करते हो आपका पैंप एप्लीकेशन का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आपको गेट वेरीफाई वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टैप कर देना है। आप जैसे टैप करोगे सबसे पहले जो केवाईसी है आधार वेरिफिकेशन की, यहाँ पे आपके योर ओन आधार नंबर, आपके पास आपके खुद का आधार कार्ड नंबर चाहिए और साथ ही में फोन लिंक टू योर आधार ओटीपी, ओटीपी के लिए आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर होगा वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप एक वेबसाइट में चले जाओगे डिजी लॉकर करके, सबसे पहले इंटर योर आधार नंबर, 4-4 डिजिट के 3 टाइम जो नंबर हो गए तीनों बॉक्स में आपको डाल देना है और आपको सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्लीज इंटर ओटीपी टू कंप्लीट वेरिफिकेशन, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगी, वो सिंपल से यहाँ पे डाल देना है और आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्लीज इंटर योर 6 डिग्री सिक्योरिटी पिन टू साइन इन, यहाँ पे साइन इन करने के लिए आपने डिजी लॉकर की जो 6 डिग्री की सिक्योरिटी पिन सेटअप किया होगा वो यहाँ पे डाल देना है और आपको डन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ग्रीन टिक आ चुका है। अभी दोस्तों वेरीफाई पैन, टेक अ सेल्फी, सिग्नेचर डिजिटली, यहाँ पे और 3 प्रोसेस बाकी है, जिसके दोस्तों सेकंड जो वेरीफाई पैन, यहाँ पे आपको पैन की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी। उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको आई डोंट हैव माय पैन कार्ड वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप करते हो यहाँ पे आपको सिंपल सा आर यू श्योर डोंट हैव योर ओन पैन कार्ड, यहाँ पे आपका पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे टिक लगाने लेना है और वेरीफाई विदाउट पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप करोगे वैसे सेकंड ऑप्शन ऐसे हटा दिया जाएगा और आप विदाउट पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड है तो आपको सिंपल सा वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद इंटर योर पैन नंबर, आपके पैन कार्ड पर एक नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है और सिंपल सा आपको कंटिन्यू कर देना है, कंफर्म कर देना है। आप जैसे कंफर्म करोगे दोस्तों वैसे आपका जो सेकंड प्रोसेस है पैन कार्ड वेरिफिकेशन, उसका भी ग्रीन टिक आ चुका है। अभी दोस्तों थर्ड जो केवाईसी है वो है टेक अ सेल्फी वाला, तो आपको सिंपल सा टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप करोगे आपका फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा और आपको सिंपल सा आपकी सेल्फी ले लेनी है और इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप करोगे आपकी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फी वेरिफिकेशन में भी ग्रीन टिक आ चुका है। अभी जो दोस्तों लास्ट केवाईसी बचा है वो साइन डिजिटली, आपको सिंपल सा ऐड डिजिटली सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आपके सामने बॉक्स आ जाता है, सिंपल से यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऐड कर देने है आपकी और सिंपल से आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब जैसे कंफर्म करोगे यहाँ पे योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, यहाँ पे आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, यहाँ पे आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता है। सिंपल सा व्यू बेनिफिट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पे आपके बेनिफिट्स देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक्टिवेट यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, आपकी यूपीआई आईडी एक्टिव हो जाएगी और आपका सक्सेसफुली पैंप एप्लीकेशन का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप इजीली यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो, स्कैन पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पैंप एप्लीकेशन में विदाउट पैन कार्ड के पैंप एप्लीकेशन बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब।